मीटिंग माई एक्स गर्लफ्रेंड्स फैमिली वॉज द मोस्ट हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मेरे एक्स गर्लफ्रेंड की फैमिली जहाँ पे हम रहते थे उससे कुछ 3 घंटे की दूरी पे रहते थे। हम लोग दिल्ली में रहते थे और मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स आगरा में। मेरे एक्स गर्लफ्रेंड और मेरे रिलेशनशिप को ज्यादा समय नहीं हुआ था, शायद हमारे रिलेशनशिप को कुछ 1 महीना ही हुआ था। ये काफी अजीब बात थी कि हमारे रिलेशनशिप को बस 1 ही महीना हुआ था और उसने मुझे क्रिसमस के लिए उसके घर पे उसके पेरेंट्स को मिलने के लिए बुला लिया था। शैरोन की छोटी सी फैमिली थी जिसमें उसके मॉम डैड उसका भाई और शैरोन ही थी। हम उनके घर पे मेरे कार से पहुंचे। बाहर से देखने में उनका घर काफी बड़ा लग रहा था। इट वॉज अ प्लेजेंट साइट टू लुक एट। मैं और शैरोन हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले। उसके मॉम डैड हमें ग्रीट करने के लिए घर से बाहर निकले गाड़ी की तरफ। फर्स्ट एक्सप्रेशंस वो काफी फ्रेंडली थे और काफी अजीब भी, अनएक्सप्लेनेबल काइंड ऑफ अ फ्रेंडली। उसके डैडी ने स्माइल तो नहीं किया लेकिन मुझसे हाथ मिलाया और मेरे पीठ थपथपाई और कहा कि नाइस टू मीट यू। और उसकी मॉम जैसे मुझे देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी वैसे उनका एक्सप्रेशन था, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ तो अजीब था। उनकी स्माइल बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। जब वो हंसती थी वो काफी वाइड स्माइल लगती थी, काइंड ऑफ एग्जैजरेटेड। उनका घर उतना ही खूबसूरत था जितना बाहर से खूबसूरत था। कुछ समय बाद मैं शैरोन के भाई से मिला जो कि ऑफिस से घर पे लौटा था। वो सोशली काफी ऑकवर्ड था, वो मुझसे बात भी काफी अजीब तरीके से कर रहा था। ही वॉज काइंड ऑफ शाय टाइप्स। फिर उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर काफी ऑकवर्ड था। उनके डिनर करने का एक रूल था, जब डिनर कर रहे हो तभी कोई बात ना करे। तो मैं कह सकता हूँ वो काफी साइलेंट डिनर था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, बस खाना खा रहा था। अदर देन दैट एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल। डिनर के बाद हम लिविंग रूम में बैठ के एक क्रिसमस मूवी देख रहे थे। मैंने आई कांटेक्ट करना अवॉइड किया लेकिन मैं ये कह सकता था कि एलन बहुत समय के लिए बस मेरी तरफ ही देख रहा था। एट वन पॉइंट फाइनली मैंने भी उसकी तरफ देखा। हमने कुछ 3 सेकंड के लिए अपनी आंखें एक दूसरे की तरफ लॉक की। उसके बाद उसने अपनी नजरें टीवी की तरफ मोड़ ली। वो मेरी तरफ एक जजमेंटल स्टेयर के साथ देख रहा था और वो स्टेयर मुझे काफी अनकंफर्टेबल कर रही थी। एट द एंड ऑफ द नाइट मैं और शैरोन हम दोनों भी गेस्ट बेडरूम में थे। गेस्ट रूम 2 अटैच्ड हिस्सों में बटा था। एक रूम में शैरोन सोने वाली थी और दूसरे रूम में मैं। शैरोन वॉशरूम में गई थी, उसका फोन बेड पे ही था। मैंने शैरोन के मोबाइल में मैसेज आते हुए देखा। मैं सरप्राइज हुआ कि वो मैसेज उसकी मॉम का था। जिस नंबर से मैसेज आया था उस नंबर को मॉम करके सेव किया था। ये काफी अजीब चीज थी कि उसकी मॉम इसी घर पे है और उसको टेक्स्ट मैसेज क्यों कर रही है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसका फोन बेड से उठाया और मैसेज पढ़ा। मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड इट चेंज्ड द एंटायर सिचुएशन ऑफ द नाइट। मैसेज में लिखा था, क्या तुम्हें लगता है कि उसको किसी भी बात का शक हुआ? और सडनली वो मैसेज न्यू मैसेज में कन्वर्ट हो गया। शायद उसने उसके फोन का लॉक ऑन रखा था इसलिए मैं उसके मॉम से आए हुए आगे के मैसेज नहीं पढ़ पाया। इसके बाद मेरा हार्ट जोरों से पंप करने लगा। शैरोन वॉशरूम से रूम के अंदर आई। मैंने उसे एक कोल्ड स्माइल दी क्योंकि मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और उसने ये चीज नोटिस भी की। वो थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में ही बैठी रही। वो किसी को मोबाइल पे टेक्स्ट कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे बाय कहा और वो अपने रूम में चली गई। लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था, मैं अपने बेड पे ही रोल कर रहा था। मैं उस टेक्स्ट मैसेज के बारे में वंडर कर रहा था। मैं सोच रहा था क्या वो मैसेज मेरे बारे में था, एंड व्हाट द हेल वाज अप विद हर ब्रदर। वो मुझे ऐसे क्यों स्टेयर कर रहा था। और रात के कुछ 2 बजे मैंने मेरे बेडरूम के बाहर से फुटस्टेप्स की आवाजें सुनी। वो फुटस्टेप्स की आवाज शैरोन की थी। वो मेरे रूम के अंदर आई। मैंने मेरी आंखें हल्की सी बंद और हल्की सी खुली रखी थी। मैंने देखा शैरोन को मेरे रूम के अंदर धीरे से चलते हुए आते हुए। वो मेरे बेड की तरफ आके रुकी। उसने कुछ समय के लिए मुझे देखा और वापस धीरे से रूम के बाहर निकल गई। दिस वॉज रियली गेटिंग स्पूकी नाउ। शैरोन के फुटस्टेप से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो नीचे की तरफ गई। फिर उसके बाद मैंने और फुटस्टेप्स सुने नीचे की तरफ जाते हुए, और इसके बाद एक और इंसान की फुटस्टेप्स सुनी नीचे की तरफ जाती हुई। समथिंग वॉज गोइंग ऑन। मैं भी अपने रूम के बाहर आया। ऊपर से मैंने नीचे की तरफ देखा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देयर वॉज बंच ऑफ टॉकिंग बट वेरी क्वाइटली। मैं दबे पाव नीचे की तरफ बढ़ने लगा। टॉकिंग वॉज कमिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। ऐसे लग रहा था वो कुछ तो प्लान कर रहे हैं। मैंने शैरोन की आवाज सुनी। शैरोन कह रही थी कि जब मैं ऊपर जाऊंगी तब तुम दरवाजे के बाहर खड़े रहना। फिर मैंने उसके भाई की आवाज सुनी। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था।
मैं फिर से ऊपर गया मेरे रूम के अंदर, मेरी जो कोई भी चीजें वहां पे है वो लेके मैं घर से निकलने वाला था। और जैसे ही मैं अपने रूम के अंदर गया, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, तभी पूरा का पूरा रूम में अंधेरा हो गया। इट वॉज पिच ब्लैक, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उस रूम के अंदर मूनलाइट भी नहीं थी। और जैसे ही रूम की लाइट जली, रूम के कॉर्नर में शेरोन के पापा कुर्सी पे बैठे हुए थे और वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। वो स्माइल काफी डरावनी थी। ये देख के मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मैं वहां पे कुछ 3-4 बार चिल्लाया। मैं अपने रूम के बाहर नहीं निकला, बल्कि मैं अपने रूम के बालकनी में गया और वहां से मैंने नीचे छलांग मारी। जब मैं नीचे गिरा, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा पैर टूटा हो। फिर भी मैं उस सिचुएशन में भागते हुए अपनी कार की तरफ गया। मैं कार के अंदर बैठा और वहां से सीधे अपने घर के लिए निकला। जब मैं अपने घर पे पहुंचा, मैंने अपना मोबाइल चेक किया। शेरोन का मैसेज था। मैसेज में लिखा था, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू लेफ्ट लाइक दिस। मैंने उसे रिप्लाई किया, मुझे पता नहीं तुम और तुम्हारी सिख फैमिली मेरे साथ क्या करने का प्लान कर रहे थे, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन कभी भी मुझे मैसेज मत करना या फिर मेरे पास आने की कोशिश करना, नहीं तो मैं ये बात पुलिस में बता दूंगा। शी नेवर रिप्लाइड बैक। लेकिन कुछ 10 दिनों बाद मुझे रहा नहीं गया और मैंने ये सारी चीजें पुलिस में बता दी। पुलिस को शेरोन का फोटो दिखाने के बाद मुझे पता चला पुलिस इस लड़की और इसके फैमिली के खोज में है। और असल में इस लड़की का नाम शेरोन नहीं बल्कि कुछ और ही है। इस फैमिली पे 16 मर्डर्स का आरोप था। पुलिस ने कहा कुछ साल पहले किसी ने तो इस फैमिली को बिजनेस में लूटा था, उसके बाद से इनकी फैमिली की दिमागी हालत ठीक नहीं और पता नहीं क्यों ये फैमिली बिजनेस ओनर्स के बच्चों का खून करती है। और मैं भी एक बिजनेसमैन का बेटा था। उस दिन मेरा नसीब अच्छा था कि मैं उनके घर के बालकनी से नीचे कूदा, नहीं तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। पुलिस को मैंने उस घर का एड्रेस दिया जिस घर पे वो मुझे लेके गई थी। जब पुलिस वहाँ पे पहुंची, वहाँ पे कोई भी नहीं था। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मेरा मतलब है वहाँ पे उनके घर के अंदर कोई सामान भी नहीं था। इस चीज को 2 साल बीत गए लेकिन आज भी पुलिस उस फैमिली को पकड़ नहीं पाई। उम्मीद करता हूँ वो फैमिली आपके अड़ोस पड़ोस में ना रहती हो।